घी है, हम साइड साइड से ऐसे चुबा देंगे कि दूसरे तरफ भी अच्छे से पक जाए। इसको हम 2 मिनट ऐसे पकने देंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ऑमलेट ब्रेड। तो ऑमलेट ब्रेड बनाने के लिए हमको देखिए क्या क्या सामान का ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए, मैं प्याज एकदम बारीक बारीक कट कर ली हूँ, ये धनिया का पत्ती है, ये हरा मिर्च है, ये नमक है, और ये देखिए मैं अंडा ले ली हूँ, और ये प्याज है, इसको इस तरह से कट कर ली हूँ। तो ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत अच्छा रहता है, एकदम टेस्टी, एकदम हेल्थी, ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बहुत चाव से खाते हैं। तो देखिए, हमको जो ये ऑमलेट ब्रेड बनाना है, तो इसके लिए हम ये जो ब्रेड है इसको हम हल्का सा सेक लें। तो यहाँ पे देखिए, मैं तावा रख ली हूँ गर्म होने के लिए। तो ये जो ब्रेड है, मैं हल्का हल्का इसको गर्म कर लेंगे, गर्म करके इसको साइड में रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 ब्रेड एक ही साथ गर्म कर लेती हूँ, और एकदम मीडियम फ्लेम पे हम गर्म करेंगे। तो ये अंडा है, इसको हम अंडे को ऐसे तोड़ लेंगे, और ऐसे इसको गिलास में, आप चाहे प्लेट में, किसी चीज में भी रख लीजिए। तो ये सुबह का नाश्ता बहुत हेल्दी होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये ब्रेड फास्ट के लिए बहुत अच्छा है, और गर्मियों में हमको ऐसा कुछ खाने का मन नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, झटपट बनाई। तो ये जो देखिए, मैं ये प्याज कट करके रखी हूँ, इसको मैं 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड कर लूँगी, और अपने स्वाद अनुसार मिर्चा ऐड करिए, जितना आपको तीखा पसंद है। तो हम इसमें मिर्चा भी थोड़ा सा ऐड कर ले रहे हैं, थोड़ा सा नमक, और ये धनिया की पत्ती है, इसको भी हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेंगे, और इसको हम अच्छे से। तो ये देखिए, हमारा तावा पहले से ही गर्म है, और हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। और ये देखिए, मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये घी है, इसको अच्छे से हम इसमें ऐसे लगा देंगे तावे पे, और ये जो अच्छे से फिटा गया, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, इसको ऐसे हल्के हल्के से एकदम ऐसे घुमा दीजिएगा, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए, और इसको हम ये जो ब्रेड में गर्म की थी, इसको इस तरह से ऐसे पलट पलट के, देखिए इस तरह से दोनों तरफ से ये हो गया, और इसको हम ऐसे साइड में रख देंगे, और इसको भी हम इसी तरह से ऐसे कर लेंगे। देखिए, तो आप देख सकते हैं, ये दोनों ब्रेड हमारा अच्छे से इसमें सेट हो गया है, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसे पकने देंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं दूसरा वाला भी तैयारी कर लेती हूँ, जब तक वो बन रहा है तब तक हम दूसरा वाला भी तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा होता है और बहुत जल्दी बनता है, इसमें बनाने में टाइम नहीं लगता है आपका, 5 मिनट में नाश्ता एक नंबर का रेडी हो जाएगा। आपको भी लंच में दीजिए एकदम हेल्थी और एकदम टेस्टी नाश्ता। तो आप देख सकते हैं, इसको हम साइड साइड से ऐसे घुमा देंगे, और इसे आराम से आप ऐसे करेंगे, इस तरह से हमको ऐसे धीरे से पलट देना है। तो देखिए, कितना आसानी से ये पलटा गया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। और जो ये घी है, हम साइड साइड से ऐसे चुबा देंगे कि दूसरे तरफ भी अच्छे से पक जाए, जिसको हम 2 मिनट ऐसे पकने देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये हमारा 2 मिनट हो गया है, अब इसको हम पलट के आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से ये सेट हो गया है, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा नाश्ता आपको कैसा लगा, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। तो इसको हम देखिए, ये जो प्याज है, इसको हम इसमें ऐसे करके, और ये धनिया की पत्ती है, इसको भी हम इसी में, इसको हम ऐसे साइड से मोड़ देंगे। देखिए, इसको डबल कर दीजिए, और इसको हम प्लेट में निकाल के रख लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारा जो ऑमलेट ब्रेड है, ये अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम ऐसे चाकू से कट कर लेंगे, बहुत गर्म है। तो आप देख सकते हैं, नाश्ता हमारा एकदम अच्छे से रेडी हो गया, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा केचप है, आप केचप के साथ इसको सर्व करिए। और ये नाश्ता आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, बहुत अच्छा हुआ है, और एकदम चटपटा, एकदम टेस्टी, एकदम हेल्थी नाश्ता है, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये सुबह का ब्रेकफास्ट आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट,
और आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।